अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप खैरियत होंगे। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दो फ्राइडे से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। मेरे मामू का इंतकाल हो गया था और मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, वीडियो नहीं आ रही थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुत अर्से पहले अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पैगम्बर बनाया और कहा कि तुम लोगों में इस्लाम फैलाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लोगों के पास जाते, इस्लाम की दावत देते, लेकिन कोई सब उनको पत्थर मार मार के भगा देते। मगर हर एक दिन कुछ ना कुछ दो तीन मुसलमान होते जाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपना पैगाम इस्लाम का फैलाने का जारी रखते, वो रुकते नहीं। एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पैगाम दिया कि तुम एक बहुत बड़ी कश्ती बनाओ जिससे तुम सफ़र कर सको, क्योंकि मैं यहाँ पे अजाब देने लाने वाला हूँ। तो फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जितने भी मुसलमान, पहले तो उन्होंने दावत दी दो तीन दिन तक, फिर उसके बाद जितने भी लोग मुसलमान हो गए उन्होंने उन सब के साथ एक लंबी कश्ती बनाने लगा। उसमें बहुत टाइम लगा। जब वो कश्ती बनाते थे रोज़ाना, जब तक कश्ती नहीं बन जाती जब तक अल्लाह ताला ने अजाब नहीं भेजा। तो लोग कुछ जार, जब वो कश्ती बना रहे थे मुसलमान और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, तो कुछ काफिर जा रहे थे, उन्होंने कहा, वो उन पे हंसते मारते मुसलमानों को, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बोलते, ये तुम लोग क्या पागलपना कर रहे हो, इतनी लंबी कश्ती क्यों बना रहे हो। वो दरख्त तोड़ते, वो अपना काम जारी रखते, वो उनको इग्नोर करते रहते। फिर आखिर वो वक्त आ गया था जब अजाब आने वाला था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने आखिरी दफ़ा अपने बीवी बच्चों को कहा कि मेरी बात मानो और मेरे साथ कश्ती में आ जाओ। उन्होंने कश्ती ऐसी बनाई थी जिसमें एक हिस्से में जानवर, एक हिस्से में परिंदे, एक हिस्से में इंसान, और वो इतनी बड़ी कश्ती थी कि उसमें कुछ भी डाल दो सब कंफर्टेबल रहेंगे। तो फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके सबको भेजने लगे। पहले हिस्से में उन्होंने जानवरों को भेजा, दूसरे हिस्सों में उन्होंने परिंदों को भेजा, तीसरे हिस्सों में इंसानों को भेजा। उन्होंने आखिरी दफ़ा काफिरों को कहा कि तुम मेरी बात मानो और मेरे साथ कश्ती में आ जाओ, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी, लिहाजा उनके बीवी बच्चों ने भी नहीं मानी। फिर थोड़ा समंदर में लहरें आने लगी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सीवियों पे लहरें आती है ना, तो छोटी होती बहुत, जैसे सीवियों में सबसे पीछे से जो ऐसी आ रही होती ना, वैसी आ रही थी आगे, तो आने लगी। लोगों ने बोले तो कुछ भी नहीं है, ऐसी हवा की शोर होगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जल्दी जल्दी कश्ती में बैठे, कश्ती का दरवाज़ा बंद करा और निकल गए। उस वक्त जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी पूजा कर रही थी आग की, वो तो ताकतवर की करते ना, आग की जब पूजा कर रही थी तो वो आग बुझी, और जैसी आग बुझी जिस चीज़ पे, जिस लकड़ी पे आग जल रही थी उसी के ऊपर से पानी आना शुरू हो गया। तो वो आया, वो लोग भागे। उस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खिड़की से आवाज़ लगाई अपने बीवी बच्चों को कि अभी भी वक्त है, अगर तुम्हें मेरे साथ आना है तो आ जाओ, वरना तुम खुद भुगतोगे। बीवी बच्चों ने कहा आप टेंशन नहीं लें, हम अपनी जान खुद ही बचा लेंगे। उन्होंने लोगों को भी कहा कि आखिरी वक्त है, अभी भी मौका है, आ जाओ, पर किसी ने उनकी बात नहीं मानी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम निकल गए। फिर वो पानी आने लगा। पानी दो जगह से आ रहा था, एक तो समंदर से आ रहा था और एक तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के घर से आ रहा था। पानी आने लगा, लोग डूब रहे, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, सब भाग रहे। जितने भी परिंदे और जितने भी जानवर थे,
सबकी जान बच गई, क्योंकि वो सब कश्ती में चल गए थे, जानवर तो बोल नहीं सकते। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कुछ भी करके, या फिर अल्लाह ताला ने कुछ भी करके, वो बेहतर अल्लाह ही जानता है, उन जानवरों परिंदों को कश्ती में चढ़ा दिया। उसके बाद पानी आने लगा, लोग कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, इतने सारे आधे लोगों की आगे लोग तो अल्लाह को प्यारे हो गए थे, बाकी कोई इधर भाग रहा उधर भाग रहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और बच्चे एक पहाड़ पे चढ़ गए, और कुछ लोग भी थे, तकरीबन 100-105 लोग थे, वो भी चढ़ गए पहाड़ पे। सब सारे घर डूब गए, घर का इतना सा हिस्सा भी नजर नहीं आ रहा था। उसका सामान बह रहा, कोई इंसान बह रहे जो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। तो फिर उसके बाद पानी का प्रेशर, पानी की रफ्तार तेज होने लगी। घर से तो पानी आ रही आ रहा था, लहरें और भी ऊपर ऊपर से आने लगी भाई। तो फिर पहाड़ का बस, ये इंसान थे पहाड़ पे, जन्म की बीवी बच्चे और ये लोग थे, और ये पहाड़ था, ये पूरा पहाड़ नीचे तक था, पहाड़ का इतना सा हिस्सा बचा, बस इतना सा हिस्सा बचा, पानी आ गया, सारे इंसान और जनू अलैहिस्सलाम के बीवी बच्चे डूब गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम सफर पे थे आराम से, उनके पास सारी जरूरत की चीजें थी, खाना पीना इतनी चीजें थी कि वो कश्ती में पूरी जिंदगी गुजार सकते थे। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, वो चल रहे थे समंदर में, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक परिंदे को भेजता हूँ कि वो देख कर आए कहीं पर जमीन है तो हम वहां पर उतरे, थोड़ी सांस ले जमीन की। उन्हें परिंदे को भेजा, परिंदा गया, स्पैरो परिंदा गया, वो देख कर आया, वो वापसी आया, उसने अपनी चोट यू यू उस साइड पे करी। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती का उस साइड पे, उस कश्ती का मुंह उस साइड पे करा, कश्ती यूँ चल रही थी, परिंदा बोल रहा था यू यू, वो अपनी इधर चोट मारा कर, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कश्ती यूँ करी और इधर ले। फिर वो लोग जब थोड़ा आगे गए, 10-15 मिनट बाद जमीन आ गई थी, जमीन बहुत बड़ी थी, अल्लाह ताला ने उनके लिए जमीन पहले से तैयार रखी थी। तो जो अल्लाह की बात इबादत करता है, अल्लाह उसकी मदद का नहीं करता, मुझे बताए। तो फिर वो लोग जमीन पे उतरे, सब जानवर परिंदे इंसान सब उतरे, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उतरते साथ कुछ काम नहीं किया, बस जैसे उतरे सीधा सजदे में, उनको देख के तमाम लोग भी सजदे में चले गए। तो फिर इस तरह हजरत अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जान बचाई। जब भी कहते हैं कि अल्लाह की जितनी इबादत कर सकते हो करो, जितनी इबादत कर सकते हो करो, अल्लाह ताला मुश्किलों में तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। अल्लाह की बात मानो, अल्लाह की इबादत करो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, जुम्मा पढ़ो, तरावी पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, अल्लाह की बस इबादत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किलों में इंशाअल्लाह ज़रूर मदद करेगा, और क़यामत के दिन भी तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं मिल जाऊँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।